धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की अमर बाणी जाप साहब एक छंद दियां दो पंक्तियां दे विचार आपनू सरवण कराण लगा। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। मैं पंक्तियां फिर दोहरावां, जिहड़े जाप साहब पढ़दे ने उन्हां नूं जरूर ये पंक्तियां कंठ होणगियां या सामने होणगियां। नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं। धार्मिक जगत देच पहले ते इष्ट दी गल है, किनू आधार बना के परमात्मा तक पहुँचना है, कि दे सहारे ते, जेदे सहारे ते पहुँचते हैं उन्हों इष्ट कहिंदे ने। जैसे अहले इस्लाम दा मुहम्मद साहब इष्ट ने, समो ईसाई जगत दे हज़रत ईसा इष्ट ने, हिंदू जगत धार्मिक तौर पर बहुत सारिया शाखा दे वंडिया होया है, तो किसी का इष्ट राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का महादेव है, किसी का विष्णु है, किसी की काली माता है, किसी की वैष्णो देवी है। इस तरीके नाल उन्हां दे अलग अलग इष्ट ने, जिन्हों आधार बना के वो परमात्मा तक पहुँच देन। जिसनों आधार बना के सहारा बना के प्रभु दे मार्ग ते चलना या कामना दी पूर्ति करनी है जेदे राहें, उन्हों कहिंदे ने इष्ट। ये इष्ट है, जैसे समूह बोध जगत दा इष्ट है महात्मा बुद्ध, जैसे समूह जैन धर्म दा इष्ट है स्वामी महावीर, तमाम पारसी जगत दा इष्ट है जरदरस्त, और सारे यहूदियां दा इष्ट है हज़रत मूसा। अहले इस्लाम देश ते ए गल आम पर चलत है कि रसूल तो बिना कोई खुदा नू नहीं मिल सकता, मुहम्मद तो बिना कोई प्रभु नू नहीं मिल सकता। इस वास्ते उन्हां दा जिहड़ा कलमा है ला इलाह इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, अल्लाह जो है वाहिद है, एक है, व्यापक है, जो पकड़ दे च नहीं आउंदा, उसे दा ही रसूल है, पैगंबर है, उसे तक पहुँचावन वाला है मोहम्मद, मोहम्मद रसूल अल्लाह, रसूल पहुँचाण वाला, रसद रसान करन वाला, पहुँचाण वाला। तो जगत दे च वख वख लोगां दे इष्ट ने,